जय हिंद आर्मी ऑर्डनेंस कॉर्पस की ओर से वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पे जो वैकेंसी रहने वाली है 1700 से ज़्यादा पोस्ट रखे गए हैं दोस्तों, जिसमें कि दो टाइप की वैकेंसी रखी गई है और ये शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। आइए जानते हैं विश्वास इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल केयर ऑफ आर्मी और नेस कॉर्पस सेंटर सिकंदराबाद की ओर से, और ये जो पोस्ट हैं सिविलियन पोस्ट हैं, सिविलियन पोस्ट हैं वेरियस यूनिट्स और डिपो में आर्मी और नेस कॉर्पस की, वहाँ पे वैकेंसीज फिल की जाएगी। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। ग्रुप सी की ये सभी पोस्ट हैं और आर्मी और नेस कॉर्पस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर रहेगी। यहाँ पर दो टाइप की पोस्ट है। सबसे पहले ट्रेड्समैन की 1249 पोस्ट है, जिसमें कि 125 पोस्ट पूर्व सैनिकों के रखी गई है। उसके अलावा फायरमैन की 554 पोस्ट है, जिसमें 54 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है। ट्रेड्समैन मेट के लिए जो सैलरी दी जाएगी 18,000 से 56,900 रुपये। उसके अलावा जो फायरमैन की पोस्ट है उसके लिए 19,900 रुपये से 63,200 रुपये सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। पूरे रीजन से वैकेंसी रखी गई है, हर स्टेट की वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। ईस्टर्न रीजन में सबसे पहले आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर की वैकेंसीज है। 69 फायरमैन की पोस्ट है, उसके अलावा ट्रेड्समैन मेट की 139 पोस्ट रखी गई है। वेस्टर्न रीजन में दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में फायरमैन की 71 पोस्ट है, उसके अलावा ट्रेड्समैन जो मेट हैं वो 430 पोस्ट रखे गए हैं। नॉर्थन रीजन में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए फायरमैन की 119 पोस्ट हैं और ट्रेड्समैन मेट की 181 पोस्ट हैं। साउथर्न में महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु की वैकेंसीज है। फायरमैन की 111 पोस्ट है, जबकि ट्रेड्समैन मेट की 206 पोस्ट है। साउथ वेस्टर्न में राजस्थान और गुजरात के लिए वैकेंसीज रखी गई है। फायरमैन की 89 पोस्ट है, ट्रेड्समैन मेट की 164 पोस्ट रखी गई है। सेंट्रल वेस्ट में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की वैकेंसीज है। फायरमैन की 39, उसके अलावा ट्रेड्समैन की 66 पोस्ट है। सेंट्रल ईस्टर्न में वेस्ट बंगाल, झारखंड और सिक्किम पोस्ट है। फायरमैन की 46 पोस्ट है, उसके अलावा ट्रेड्समैन की 63 पोस्ट है। ये जो वैकेंसीज है इसमें घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। और ये जो नोटिस है, ये जो नोटिफिकेशन है, अभी शॉर्ट नोटिस है, इसकी डिटेल्स नोटिफिकेशन आपको कुछ ही दिनों में आर्मी ऑर्डनेंस कॉर्पस की ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिलेगी। वैकेंसी जो भी हैं जिसमें एक्सेसमैन के लिए भी रिजर्व करके रखी गई है, एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पे वैकेंसी में रिजर्वेशन दिया गया है और एज में भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये जो वैकेंसीज अभी DAVP की ऑफिशियल वेबसाइट में जारी की गई हैं, कुछ ही दिनों में आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ये वैकेंसीज इसकी डिटेल्स मिलेगी। और उसके बाद आर्मी ऑर्डनेंस कॉर्पस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.aocrecruitment.gov.in पर मिलेगी। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा, ऑफलाइन के माध्यम से नहीं अप्लाई करना है दोस्तों। और ये एक शॉर्ट नोटिस है, कुछ ही दिनों में आपको डिटेल्स नोटिफिकेशन इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आर्मी ऑर्डनेंस कोर की, वहां पर देखने को मिलेगी दोस्तों। ये थी वैकेंसीज की डिटेल्स जो कि शॉर्ट नोटिस के माध्यम से बताया गया है। जब भी डिटेल्स इसका नोटिफिकेशन आएगा ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको बता देंगे दोस्तों। तो ये थी जानकारी आज के लिए, इतना ही। जय हिंद।